अपनी मांगों को मनवाने के लिए पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारी से लेकर स्थायी और अस्थायी कर्मचारी तक आज धरने पर बैठे हैं, कल भी धरने पर बैठे हैं और कल भी ये धरना जारी रहेगा। तो तमाम ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये तमाम भीड़ है, हजारों कर्मचारियों की भीड़ है जो अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरने पर आज बैठी हुई है। इससे बिजली व्यवस्था तो बाधित है ही, पानी की व्यवस्था में भी परेशान होना लोगों को पड़ रहा है। मेरे साथ कुछ पदाधिकारी हैं बिजली पावर कॉर्पोरेशन के, उन्हीं से ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की ये मांग उनकी है और कहां तक इनकी मांगों को सरकार मानने को तैयार है। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, यहाँ संयुक्त संघर्ष समिति का संयोजक। किस तरह हमारी मांग केवल एक है कि हमारा प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बैठ करके 3 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश की संयुक्त बिजली कर्मचारियों की संयुक्त संघर्ष समिति के साथ बैठ करके समझौता किया था 17 सूत्री मांग पत्र पर। तो उन्होंने वायदे किए थे, उन्होंने वायदा किया था कि हम जो कर्मचारियों को रियायती दर पर दी जाने वाली बिजली है वो लगातार देते रहेंगे, जो कर्मचारियों के पदोन्नति का सवाल है उसको करते रहेंगे। दूसरे उन्होंने ये कहा था कि जो ये ठेके में कर्मचारी काम करता है, संविदा कर्मचारी जिसको बोल रहा है, इसको केवल जो 8,000 रुपये मिल रहा है और इनके बराबर में काम करने वाला जो दूसरा कर्मचारी है उसको पैसा 21,000 से ज़्यादा मिल रहा है। तो ये जो भेदभाव है इस भेदभाव को ख़त्म करेंगे और इस भेदभाव को ख़त्म करने के बाद इनके लिए एक समान वेतन देंगे। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि प्रोविडेंट फंड जो कर्मचारियों को मिल रहा है का कट रहा है, उस प्रोविडेंट फंड की राशि में घोटाला हुआ है, उस घोटाले की जांच कराएंगे और जांच करा करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने इस बात को कहा था कि जो कर्मचारियों को ACP मिलती है, पदोन्नति मिलती है, वो ACP का लाभ तमाम कर्मचारियों को हम देंगे। उन्होंने यानी 7 सूत्री मांग पत्र में बिजली के निजीकरण का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि हम बिजली को निजी हाथों में नहीं देंगे, परंतु अब हुआ क्या है कि उन्होंने ये जो वर्ल्ड समिट किया है होली पे, उस वर्ल्ड समिट में उन्होंने प्रदेश के 200 मेगावाट से ऊपर के जितने भी ट्रांसमिशन बनेंगे उनको कह दिया कि ये निजी कंपनियां बनाएंगी, लाइनों को बनाने की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को दे दी। उन्होंने 800 मेगावाट की जो बिजली परियोजनाएं अनपारा और ओबरा में लगाने के लिए कहा वो NTPC को दे रहे। NTPC यहाँ NTPC में जो शेयर हैं वो बिक चुके और वो कंपनियां उन शेयरों को खरीद चुकी हैं, कंपनियां उस पर हावी हैं, प्राइवेट कंपनियां। तो अगर NTPC आती है तो इनडायरेक्ट वे में निजी कंपनियां वहाँ पहुँच जाएंगी। उसके लिए मजदूरों की 500 एकड़ की लेबर कॉलोनी है, उस लेबर कॉलोनी को तोड़ने का फरमान कर दिया है कि वो लेबर कॉलोनी तोड़ी जाएगी तब वहाँ जाकर के वो परियोजना बनेंगी। तो जबकि उत्पादन निगम के पास पर्याप्त मात्रा में स्टाफ है, पर्याप्त मात्रा में साधन है और उत्पादन निगम प्रदेश की जनता को लेकर के 2.5 रुपया से 3 रुपया 10 पैसा यूनिट तक की बिजली दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर लेकर के 7 रुपया से 8 रुपया 10 पैसा तक की यूनिट दे रहा है और अभी हमारा नियामक आयोग 11 रुपया यूनिट तक की बिजली का उनको हरी झंडी दे चुका है। तो हम जो 2.75 रुपया यूनिट की बिजली देगा उनको तो आप बिजली बनाने नहीं दोगे और जो 11 रुपया तक यूनिट तक बिजली बेचेगा वो उसको आप बिजली में बिजली क्षेत्र में घुसाने की बात कर रहे हो। तो ये केवल बिजली कर्मचारियों के साथ नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, मेहनत कर जनता के साथ, किसानों के साथ विश्वासघात है। हम लोग इस सवाल को लेकर के लड़ रहे हैं कि बिजली का निजीकरण किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं हो। अच्छा, अगर मांग नहीं मानी जाएगी जी, जैसे बिजली कटौती पूरी जनपद भर में की जा रही है और आप तो DM रोड जहाँ पर तमाम ऑफिसर्स रहते हैं वहाँ रास्ता बिजली नहीं है। हमारा देखिए, हम लोगों ने 2 महीने पहले नोटिस दे दिया था और लगातार आ रहा है कि आंदोलन होगा कर्मचारियों का। हम लोग अचानक हड़ताल पर नहीं गए, हम लोगों ने पहले मशाल जुलूस निकाला, उससे पहले 1 महीने की सभाएं की, तमाम डिस्कॉम पर रैली की, उसके बाद में 15-16 को कार्य बहिष्कार किया कि ना जाने सरकार को सद्बुद्धि आ जाए। 16 की रात से हमारी हड़ताल शुरू हुई। प्रशासन यानी सरकार की जिम्मेदारी थी तो वो वैकल्पिक व्यवस्था कर ले, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए उन्होंने तमाम DM को निर्देश दिए
यहाँ डीएम साहब ने अभी टीमें बना करके वो वैकल्पिक व्यवस्था का सर्कुलर जारी कर दिया, वो आप लोगों के हाथ में होगा। परंतु आप देखेंगे पूरे जिले भर में एक भी जगह वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। जितनी बिजली चल रही है वो SHO बैठा हुआ है, वो चला रहा है। जो लाइनें टूट गई उन लाइनों को हम अटेंड नहीं कर रहे, बस बाकी बिजली जहाँ की चल रही है उसको बंद करने का हमारा ना कोई इरादा है ना करेंगे, क्योंकि ये हम भी जनता हैं और जनता हमारी है। कल को हमको उन्हीं के बीच में जाना है, उनकी सेवा करनी है, तो इसलिए जनता से हमारे पूरी सहानुभूति है। रात 4 नंबर बिजली घर पे तो कोई फॉल्ट था, वहाँ पर तमाम जो है स्थानीय लोग थे, वहाँ उन्होंने हंगामा पंगामा किया और तमाम जो है जो कॉलोनीज हैं वहाँ करीब 8-10-12-15 कॉलोनी वो तमाम अंधेरे में छाई हुई थी। न केवल DM कॉलोनी, खुर्जा के भी 3 बिजली घर बंद है, जिले भर में और भी जगह कई जगह बंद हो रहे हैं। असल बात यह है जनता को तो बिजली चाहिएगी, उनका दोष नहीं है ना, बिजली आज जरूरत है। बगैर बिजली के यहाँ न पानी मिलेगा, बगैर बिजली के न लाइट होगी, यहाँ तो मच्छरों का साम्राज्य खा जाएंगे। तो ये फेल्योर तो सही मायनों में सरकार की है, जिनको वैकल्पिक व्यवस्था देनी थी। अगर उनके पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी तो इनको कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर नहीं करना। हालात अब ऐसे हैं कि जनरेटर तक जो है पूरे शहर में बुक हो चुके हैं, जनरेटर मिल नहीं रहा बाजार में। जनरेटर होगा? हाँ, जनरेटर है ही नहीं। ये बात बिल्कुल आप सही करें, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जनरेटर तो लोगों ने मेरी खुद की कॉलोनी में लोगों ने जनरेटर मंगाया है और जनरेटर मंगा के करीब 50-55 वहाँ घर है, उन्होंने पानी भराया है। जहाँ मैं रहता हूँ मेरे घर पर भी बिजली नहीं है, बिजली तो। और दूसरी बात क्या है कि 500 वाट का हुआ है केवल हमारे घरों में इन्वर्टर, वो तो जवाब दिया जाएगा 3-4 घंटे में। जनरेटर विदा हो चुका था क्योंकि हम बेहतर सप्लाई दे रहे थे। आज से 10 साल पहले जितना जनरेटर था वो जनरेटर कबाड़े में बेच दिया लोगों ने, जनरेटर आज जरूरत नहीं रह गया था। तो जो किराए पर चलने वाला जनरेटर है वो तो सचमुच है ही नहीं, वो जनरेटर लोगों को किराए पर लेने के लिए भी नहीं मिल पाएगा, ये तो कड़वी हकीकत है। दिक्कत का अगर मांग नहीं मानी जाती है तब क्या, और सरकार से किस स्तर की बात कहां तक पहुंची? देखिए अभी मुख्यमंत्री जी और ऊर्जा मंत्री जी दोनों बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है कि वो कोई रास्ता निकाले और बातचीत दोपहर बाद हो। हमारी हड़ताल अनिश्चितकाल नहीं है, ये हड़ताल 72 घंटे की, इसको हमने टोकन स्ट्राइक बोला है। अभी हमारा अगर कहीं बड़ी दुर्घटना न हुई, अगर कहीं प्रशासन ने तो हमारे लोगों का दमन नहीं किया तो 72 घंटे बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं मंत्री जी कि मैं ASHMA लगाऊंगा, मैं कार्रवाई करूंगा, अगर इस तरीके की कार्रवाई होती है तो फिर हड़ताल भी अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल सकती है और जेल भरो भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम मजबूर होंगे करने के लिए। सरकार को सद्बुद्धि आनी चाहिए। तमाम संयुक्त संघर्ष समिति ने योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री जी से ये अपील की है कि आप हस्तक्षेप करिए, मामले को निपट पाइए, ये मामला आगे ना बढ़े, इससे प्रदेश की जनता भी परेशान हो रही है और कर्मचारी भी परेशान हो रहा है। हमने अपील की है उनसे, ये आपके माध्यम से भी अपील कर रहे हैं कि वो जल्दी बैठे। और कोई नई मांग हमारी नहीं है, जो समझौता उन्होंने किया सम्मानजनक तरीके से उसे सम्मानजनक तरीके से लागू कर दें। ये समस्या है जो हमारा 3 दिसंबर को जो समझौता हुआ था ऊर्जा मंत्री जी और मुख्यमंत्री के जो सलाहकार है उनके साथ समझौता हुआ 3 दिसंबर को, उसमें ये था कि जो संविदा कर्मचारी हैं न्यूनतम जो सैलरी है वो 21,000 रुपये होगी और आपको परमानेंट किया जाएगा, और जो मृतक है जो एक्सीडेंट में ख़त्म लाइनमैन हो जाता है उसमें क्या है कि वो 5 लाख रुपये देते हैं। अब उसमें ये थी कि 20-25 लाख रुपये तक तुम्हें देंगे, तो सरकार ने वो समझौता लागू किया नहीं, इस वजह से पूरा उत्तर प्रदेश का जो संविदा कर्मचारी है बिजली बोर्ड एम्प्लाई यूनियन जो संगठन है संविदा वालों का, उसके बैनर तले पूरा संविदा कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के साथ है और रहेगा और हड़ताल पे रहेगा। आपकी हड़ताल से बहुत ज़्यादा दिक्कतें लोगों को हो रही है? जी सर, स्वाभाविक है कि जी मेरी Division 6 में तैनाती है, राहुल कुमार TG2 संभल से हूँ, और हमारी जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं, उनका समझौता हो चुका है, समझौता लिखित समझौता हुआ है ऊर्जा मंत्री के साथ में, और समझौता होने के बावजूद भी वो मांगे अभी तक लागू नहीं करी गई हैं, जिसके चलते हुए हड़ताल जो है हमारी 72 घंटे की है
ये कोई अनिश्चितकालीन हड़ताल नहीं है। अगर हमारी मांगे मान ली जाती हैं और किसी के साथ शोषण नहीं होता है तो सुबह ही हड़ताल समाप्त हो जाएगी। हमारी मांगे जायज़ हैं, कोई नाजायज मांगे नहीं है। तो साफ तौर पर बिजली के जो कर्मचारी हैं उनका ये कहना है कि उनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको सरकार को मान लेना चाहिए, उनको पूरा कर देना चाहिए। अगर सरकार और सरकार के नुमाइंदे जोर जबरदस्ती करेंगे और उनके कर्मचारियों के साथ जाति करेंगे तो ये हड़ताल बेमियादी भी हो सकती है। शाहनवाज चौधरी, न्यूज 24, बुलंदशहर।